नमस्कार दोस्तों, मैं बोल चुका हूँ जहाँ पर मैं था सबसे बड़ी टंकी धराशायी हो गई। दोस्तों ये टंकी थी जो बीच में से ये फटी कर लाल चारों तरफ। दोस्तों देख सकते हो कितनी बुरी तरीके से टंकी थी यहाँ पर और काफी बड़ी तरीके से यहाँ पर पूरा बहुत बुरा हाल हो गया। ये टंकी थी। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ टंकी के पास में, यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से इस टंकी क्षतिग्रस्त हो गई है, धराशायी हो गई। यहाँ पर DM SSP मौके पर पहुँच चुके हैं, पूरा आला प्रशासन टंकी के पास में यहाँ पर खड़ा हुआ है। और दोस्तों मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है इस बात की कि यहाँ पर 3 लोगों की इस टंकी के नीचे दबकर मौत हो गई है। जहाँ के जो लोग हैं प्रत्यक्षदर्शी और जो रहने वासी लोग हैं उन्होंने मुझे यहाँ के जो लोग जिस तरीके से बता रहे हैं बातें कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर दोस्तों ये घटना मथुरा में घटी। ये टंकी मथुरा की सबसे बड़ी टंकी थी और यह घटना करीब 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे के बीच यहाँ पर DM SSP खड़े हुए हैं। दोस्तों सामने आप देख सकते हो ये लोगों को समझाते हुए शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए दोस्तों सुनते हैं यहाँ का एक खौफनाक मंजर, अंकल क्या कहते हैं। मतलब अम्मा जी की पटिया गिर गई। ऊपर पटिया गिरी है उनके। दोस्तों आप देख सकते हो बहुत बुरी तरीके से हालात भयावह हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि टंकी गिरी तो गिरी कैसे। दोस्तों ये खबर जैसे ही मैंने सुनी मेरी तो रूह कांप गई। देखिए दोस्तों किस तरीके से टंकी का जो मलवा है एक तरफ पड़ा हुआ है और यहाँ पर लोगों की भीड़ इतनी लगी हुई है कि यहाँ पर क्या ही बताएं। दोस्तों आप देख सकते हो पूरा यहाँ का हाल, पूरा प्रशासन पूरा मथुरा यहाँ पर इकट्ठा हो गया है कि आखिरकार ये चारों सोसाइटी के बीच में बनी ये टंकी आखिरकार ये गिर कैसे गई। दोस्तों ये पानी भर गया है टंकी में से निकलकर, टंकी का एक साथ फटना और एक तरीके तड़ी धड़ाम तरीके से आवाज़ का निकलना। दोस्तों यहाँ पर पूरा फायर ब्रिगेड और यहाँ पर जो दमकल कर्मी के जो लोग हैं सभी मौके पर पहुँच गए हैं। देखेंगे दोस्तों ये सभी पूरा हाल यहाँ का वाकया है, बहुत ही ज़्यादा देखने में मुझे बहुत बुरा लगा। दोस्तों मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि इस तरीके की जो इमारतें हैं उनकी देख रेख समय पर होनी चाहिए, पता रहना चाहिए कि टंकी की जो उम्र है या टंकी की जो अवधि है कितने वर्ष की है और कितने इस हिसाब से इसका मौके पर निरीक्षण करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर TV रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई थी। देखें दोस्तों कितनी बुरी तरीके से टंकी गिरी है, ऐसा लगे जैसे कोई मत मारो कि बादल फटा हो, चारों तरफ का यह हाल है। दोस्तों यहाँ पर अधिकारी DM प्रशासन सब मौके पर पहुँच चुका है, बचाव कार्य जारी है। दोस्तों ये वीडियो मैंने खुद अपने कैमरे से शूट करी है और अभी मैं आपको ये फर्स्ट वीडियो है, अभी दोस्तों मैं जाऊँगा मौके पर, मैं वहाँ पर देखूँगा कि किस तरीके से चीज़ों को किया जा। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ टंकी के पास में, जहाँ पर टंकी बीचों बीच सोसाइटी के चारों तरफ घरों के बीच में सोसाइटी टंकी बनी हुई थी। और देखेंगे दोस्तों बहुत बुरा हाल है, इतना बुरा मैं कह रहा हूँ कि मथुरा प्रशासन शासन प्रशासन अगर इस पर ध्यान दे रहा है कि इस चीज़ को कि किस तरीके से टंकी बीचों बीच घरों टूट गए हैं, लोग दब गए हैं, जान माल की बहुत, एक अम्मा जी थी जिनके सिर पर बहुत बड़ी पत्थर गिरने की वजह से डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। शासन प्रशासन DM SSP पूरा जिला प्रशासन मथुरा यहां पर मौजूद है और JCB भी आ गई है। JCB देखेंगे दोस्तों ये सारा साफ किया जा रहा है पूरी टंकी को जिसमें घर टूट गए हैं। दोस्तों लोगों में भारी गुस्सा है जो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि किस प्रकार से चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं। दोस्तों मैं खड़ा हूँ एक घर के पास और जहाँ पर पूरा मैं यहाँ से पूरा वाकया दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से JCB इसको सफाई करे जा रही है और घटना स्थल का पूरा शासन प्रशासन पुलिस मथुरा की आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि यहाँ पर सोसाइटी के चारों तरफ टंकी बनी हुई थी और वो धराशायी हो गई है। इसमें देख सकते हैं दोस्तों ये टंकी को बने हुए अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल ही हुए थे और टंकी बुरी तरीके से, यहाँ पर भीड़ का आलम देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से JCB सामान को हटाती है और यहाँ पर लोगों की भीड़, यहाँ पर जान माल सामान सब की हानि हुई है और जितनी ज़्यादा इसकी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। दोस्तों ये आवास टंकी के साइड में आवास बने हुए हैं।
दोस्तों ये हैं डीएम एसएसपी मौके पर घटना स्थल पर जायजा लेने के लिए पहुंच गए हैं कि क्या कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके से स्थिति अफरा तफरी मची हुई है, लोगों में गुस्से का माहौल है, बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हैं यहाँ। दोस्तों ये टंकी के सामने वाला फेस है, देखेंगे ये नीम का पेड़ बुरी तरीके से टूटकर बिखर गया है और यहाँ पर टंकी का हाल बहुत बुरा है, लोगों में आक्रोशित है, गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा अपना दुख प्रकट कर रहे हैं कि कैसे उनके व्यक्तियों के जो परिवार जो मरे हैं उनकी जो संवेदना व्यक्त करता हूँ मैं। मथुरावासी शासन प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि जिस व्यक्ति या जो भी जान माल की जो भी क्षति हुई है उनको उचित मुआवजा दिया जाए और उनका भरण पोषण किया जाए।